हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ए फ्रेश व्लॉग। कैसे हो आप? आई होप ऑल आर फाइन एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे 11, तो धूप भी आ गई है बाहर अच्छी वाली। और आज मेरी छुट्टी है, छुट्टी वैसे तो नहीं रहती है बट आज है क्योंकि मेरा ऑफिस आज बंद है किसी रीज़न से। तो मैं रूम पे अकेला हूँ तो मैंने सोचा कहीं पे बाहर घूमने के लिए चलते हैं आज, क्योंकि यार रूम पे रहूँगा तो अकेला बोर हो जाऊँगा, क्या करूँगा मैं यहाँ पे क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी ड्यूटी अपनी चले गए अपने अपने ऑफिस में। तो मैंने सोचा चलो कहीं पे बाहर चलते घूमने के लिए, और बाइक से जाएंगे आज। और जा कहाँ पे रहे हैं? हम जा रहे हैं यहीं पे, मतलब चंडीगढ़ के नज़दीक, राउंड अबाउट यहाँ से 12 किलोमीटर है। एक दरगाह है बाबा रहमत शाह कादरी जी की दरगाह, तो वहाँ पे मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी दिन से मेरा प्लान था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं आज से पहले कभी नहीं गया और इसके बारे में मैंने बहुत सुना है बट मैं कभी गया नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जयंती डैम की साइड में पड़ता है, राउंड अबाउट यहाँ से मैंने आपको बताया 12 किलोमीटर हो गए, 13 किलोमीटर। तो बाइक से चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। और मैं फ़िलहाल तो अकेला ही जा रहा हूँ, बाकी अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करूँगा, किसी को अगर कोई साथ में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अकेला ही चले जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस और आपको भी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। तो चलो गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ दरगाह पे, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और एज यू कैन सी मेरे पीछे दरगाह है बाबा रहमत शाह कादरी जी की। तो अभी जाएंगे अंदर और मत्था टेकेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये मतलब चंडीगढ़ से राउंड अबाउट 12 किलोमीटर है मेरे वहाँ से, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाने में, बाइक पर आ गया मैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी मुश्किल से लगा होगा, 20 से 25 मिनट लगे हैं। और यार मतलब शांति और अच्छा है यार, अच्छा प्लेसेस है, पीसफुल है एकदम से ना, आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा है। अच्छा ही है यार, बहुत अच्छा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत पीसफुल सा है यार ये एरिया ना। और अभी मतलब दरगाह मतलब प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, बन रही है। ठीक है, पीछे काम लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से बन रही है, बाकी आप देखो। जैसा कि आप देख रहे हो काम अभी चालू है दरगाह में। ठीक है, मतलब यहाँ पे बनने में, और मतलब ये मैंने यहाँ पे बात की अभी आने वाले टाइम में बोला कि ये जो पूरा पूरा एरिया मतलब जितना भी आप देख रहे हो आसपास का, ये सारा का सारा ये दरगाह के नाम पे ही है। और ये सारा का सारा ये कवर अप कर लेंगे जितना भी है, और कह रहे कि मतलब अच्छा बन जाएगा आने वाले टाइम में, तो बहुत अच्छी बन। तो अभी का क्या सीन है यार, यहाँ से जयंती देवी है राउंड अबाउट 2 या 3 किलोमीटर, तो मैंने सोचा कि आया हुआ तो हुई तो वहाँ पर भी क्यों ना दर्शन कर ले जाए। और तो मैंने सोचा है पीछे जो आप देख रहे हो ना, वो शायद कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे, बट यहाँ से मतलब पीछे ही है वो जो पहाड़ है उन पे, वहाँ पे जयंती देवी का मंदिर है, जयंती माता का। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे भी चल दिया जाए, तो चलो यार वहाँ पे भी चलते हैं और दर्शन करके आते हैं और आपको भी कराते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो लेट्स गो गाइज़।
सो गाइस हम पहुंच चुके अभी माता जी के दरबार। दरबार एक्चुअल में ऊपर है, यहाँ से पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा और अभी यहाँ से लेते हैं प्रसाद तो फिर चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको भी लेके चलते हैं। चलो सो गाइस प्रसाद हमने यहाँ से ले लिया है और मतलब अभी ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए और आपको भी लेके चलते हैं। चलो यहाँ की जो टाइमिंग है, अगर आप आना चाहो सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और रात को 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, तो सुबह आरती होती है अभी 5 बजे से 7 बजे तक। मतलब एज यू कैन सी देख सकते हो वहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो चलो यार अब चलते हैं सीधा ऊपर। काफ़ी बंदे आते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा बना रहे हैं सब कुछ। और भाई मैं तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मतलब थक चुका हूँ यार, इतने देर से चढ़े जा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रह गया, ठीक है, बस वहाँ तक हमने जाना है ऊपर तक और वहाँ पे फिर मंदिर है और फिर दर्शन करेंगे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी वॉइस से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हल्का सा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, मैं क्या चलो रेस्ट ले लेता हूँ उसके बाद। और मैं वैसे थकता नहीं, बट इसका एक रीज़न है क्यों थका हूँ, क्योंकि मैंने आज सुबह लेग एक्सरसाइज लगाई थी जिम के अंदर, तो थोड़ा सा वो पेनिक है मतलब मेरी लेग, तो इसलिए मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो चलो चलते यार। जय माता दी, जय माता दी। और इधर आई थिंक ये लंगर हॉल है शायद, हाँ ये लंगर हॉल है इधर, ठीक है। और ऊपर है वहाँ पे दरबार माता जी का। चलो आपको सीधा ऊपर ही जाके से तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं दरबार में, पीछे माता जी का दरबार है, ठीक है। और चलो यार मत्था टेकते हैं पहले, फिर आराम से बैठेंगे थोड़ी देर और फिर लंगर वगैरह खाएंगे यहाँ से और फिर चलेंगे घर पे, ठीक है। चलो चलते हैं यार मत्था टेकते हैं। गाइस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊँ आपको, सॉरी फॉर नॉइज़, पीछे से बहुत शोर आ रहा है, आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। मतलब यहाँ से एकदम एक नंबर व्यू यार, जिसको मतलब अल्टीमेट आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मतलब एक पास में ही है, नज़दीकी है, यहाँ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना डैम है, जयंती डैम के नाम से, तो वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। यहाँ से तो शायद अच्छे से दिखाओ या ना दिखाओ, बट वहाँ से आपको पक्का दिखाऊंगा। चलो वहाँ पे दिखा, डैम की बात कर रहा हूँ, वो डैम वहाँ पे है और आप देख सकते हो यहाँ से, शायद आपको थोड़ा ही कुछ दिखेगा, बट वो डैम ही है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं चलो, और एक बार दोबारा से फिर से देख लो यार ये नज़ारा, मतलब अल्टीमेट है भाई, खतरनाक व्यू आ रहा है यहाँ से। गाइस दर्शन हमने अच्छे से कर लिए है और अभी यहाँ से जाएंगे सीधा लंगर हॉल में, लंगर खाएंगे और उसके बाद फिर डैम पे जाएंगे और डैम के बाद फिर चलते हैं घर।
सो नाउ गाइस फाइनली आई एम रिचर्ड एट जयंती डैम। जैसे कि मैंने आपको बताया था मंदिर से कि वहाँ पे जयंती डैम पे जाएंगे और आपको दिखाऊंगा, तो अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और बस यहाँ से थोड़ा सा ही रास्ता है, मे बी 50 मीटर का होगा, तो पैदल चढ़ के जा रहा हूँ यहाँ से। और चलो आपको भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ एक्चुअल में है क्या वहाँ पे। ठीक है, एक डैम बना हुआ है। मैं आया हूँ यहाँ पे लास्ट टाइम 2018 में, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में आया था क्रिसमस वाले दिन, मुझे याद है। ठीक है, हम सारे के सारे फ्रेंड यहाँ पे जयंती डे आए थे, तो तभी आया था मैं। उसके बाद अब आया हूँ 2022, मतलब 3 साल हो गए अप्रोक्स उस बात को। तो वैसे पानी है और बोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, बट अच्छा व्यू है, देखने के लायक है। मतलब अगर आओ तो आप आना यहाँ पे, ठीक है, ज़रूर। तो चलो अब चलते हैं। सो हेयर वी आर, एंड अच्छा है यहाँ पे जो व्यू है वो अच्छा है, सामने भी और बैक में भी, दोनों साइड का आपको व्यू दिखाता हूँ। तो चलो, सो एज़ यू कैन सी, ये इधर मतलब इधर से आने का रास्ता है। ठीक है, आप यहाँ से आ सकते हो, वो वहाँ से रास्ता घूम के ऐसे आता है, चढ़ के आना पड़ता है, वहाँ पे बाइक लगाई जाती है, वहाँ से फिर ऊपर से ऐसे घोड़े चढ़ के आ जाते हैं। और ये इधर वॉकिंग करने का, अगर मतलब थोड़ा बंदे ऐसे आ जा सकते हैं, उधर इधर नाम भी लिखा हुआ है इसका ना, डैम का। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे फिशेज वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हो एक अंकल है वो फिशिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअल में है कि नहीं, बट कर रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने आज के व्लॉग में देखा, हमने डैम को कवर किया, जयंती देवी गए। पहले जो हमारा प्लान था एक्चुअल में जाने का, मेरा प्लान था और दरगाह तक कि दरगाह पे जाऊंगा, मत्था टेकूंगा और वापस आ जाऊंगा, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना हम जयंती देवी भी चले जाए, और फिर जयंती देवी से डैम, और डैम आपने देखा ब्यूटीफुल व्यू था यहाँ से, डैम का एकदम से एक नंबर व्यू था। ठीक है, तो अभी का क्या सीन है, अभी यहाँ से जस्ट जाएंगे घर पे, और घर पे जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। वैसे तो मैंने वहाँ से लंगर खा लिया था, बट फिर भी घर पे जाके कुछ देख लेंगे। और चलो गाइस चलते हैं घर पे, काफ़ी लंबा लॉग जाएगा अदरवाइज़ ये। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और वीडियो को शेयर कर देना यार। ठीक है, सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन हैव अ नाइस डे।